शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुखलिफ किया गया। लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। पीएम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। इमरान खान खतरे में, तहादियों का झुकाव पोजीशन की तरफ है। परवेज इलाही का कहना है कि झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। खान साहब ने सबके साथ हाथ किया है, किसी को कुछ नहीं दिया। तहरीक अदम एतमाद में जीत हो या हार, फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान इंशाअल्लाह जीतेंगे क्योंकि इमरान खान अवाम में पहले से ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कांपे टांग रही हैं कि वजाहत कर दी। बिलावल का कहना है कि कांपे टांगना टांगे कांपने से ऊपर का दर्जा है। वज़ीर आज़म को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने यूक्रेन की दरख्वास्त पर इमदाद भेज दी। इमदादी सामान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेनी सफीर के हवाले किया। 15 टन से ज्यादा इमदाद पहुंचाने के लिए 2 तैयारे भेजे जा रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनुआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत 30 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। वजारत खजाना का कहना है कि कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए होगा। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने मुश्तरका लाए अमल के लिए मज़ीद मुशावरत जारी रखने का फ़ैसला किया है, जबकि तमाम इत्तेहादियों की मुश्तरका बैठक का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद हुकूमती इत्तेहादियों ने मुश्तरका लाइहा अमल के लिए मज़ीद मुशावरत जारी रखने का फ़ैसला किया है, जबकि कल तमाम इत्तेहादियों की मुश्तरका बैठक का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इसी तनाजर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने निजी टीवी से इत्तेहादियों के झुकाव से मुतालिक बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि इमरान खान 100% मुश्किल में हैं, इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। खान साहब ने सबके साथ हाथ किया है, किसी को कुछ दिया नहीं।
वजीर आला बना तो तमाम मसाइल हल कर दूंगा, इत्तेहादियों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे, बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। आसिफ जरदारी का दावा दुरुस्त, अपोजिशन के पास 172 से ज्यादा वोट हैं। हुकूमत को अपने लोगों से खतरा है, जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुजदार को हटा कर दम लेगा, उनके एडवाइजर तबाही फेर रहे हैं। शेख रशीद ने दिल में क्या गिला रखा है पता नहीं, वजीर दाखला के पास तजुर्बा है, उनको खान साहब को समझाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन पुरअज़म है और इसका दावा है कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं और उनके नंबर्स पूरे हैं। उधर तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वजीर आज़म इमरान खान भी इत्तेहादियों से मुतवातर मुलाकातें कर रहे हैं और उनके तहफ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानियां करा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा था कि अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो अदम एतमाद के नतीजे में वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दीन के रहनुमा हैं, लेकिन जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अगर मुल्क में खाना जंगी और अनारकी पैदा हुई तो उसकी कीमत आपको अदा करनी होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपका एहतराम करते हैं, आप दीन के रहनुमा हैं, लेकिन जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अगर मुल्क में खाना जंगी और अनारकी पैदा हुई तो उसकी कीमत आपको अदा करनी होगी। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान जीते या हारे फ़ायदा इमरान खान का ही होगा, इमरान खान इंशाल्लाह जीतेंगे। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं 3 माह से कह रहा हूँ अपोजिशन 23 को नहीं 25 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेगी, आप हमारे इंतजामिया से बात करें, वो आपको महफूज रास्ते फराहम करते हुए मुकम्मल सिक्योरिटी देगी। वजीर दाखला ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने पहले भी जलसा किया था, अगर आप भी 27 मार्च को जलसा करना चाहते हैं तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजल रहमान पे हो रही है, वो तो बिफरे पड़े हैं, वैसी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। उन्होंने कहा कि 25 मार्च से सियासत खुलकर सामने आ जाएगी, इत्तेहादियों का भी इल्म हो जाएगा कि कौन हुकूमत के साथ है, और इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का नया दौर भी शुरू हो जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और तहरीक अदम एतमाद के नताइज पर यह बात सबको मालूम हो जाएगी। मैं सियासी बसीरत में इमरान खान को जीतता हुआ देख रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू करते हुए बताया, मैं समझा मुझसे कोई स्लिप ऑफ टंग हुई है, लेकिन मैंने जब घर जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, पीटीआई ने वीडियो में जोड़ तोड़ की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कांपे टांग रही हैं की वजाहत कर दी। चेयरमैन पीपी ने गुफ्तगू करते हुए बताया, मैं समझा मुझसे कोई स्लिप ऑफ टंग हुई है, लेकिन मैंने जब घर जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, पीटीआई ने वीडियो में जोड़ तोड़ की है। बिलावल ने गुफ्तगू में दिलचस्प तरीके से टांगे कांप रही हैं और कांपे टांग रही हैं में फर्क भी बताया। उन्होंने कहा वजीर आजम की पहले टांगे कांप रही थी, अब कांपे टांग रही हैं, कांपे टांगना टांगे कांपने से ऊपर का दर्जा है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि जब हमने अवामी मार्च शुरू किया तो वजीर आजम की टांगे कांपना शुरू हुई और उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी कर दी, लेकिन जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। बिलावल ने कहा, इमरान खान धमकी देते हैं कि बंदूक की नोक पर हूँ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, वजीर आजम को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इमरान खान मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि किसी को धमकी दे रहे हैं, साबिक सदर के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करने से कबल सोचना चाहिए, उन्हें पता है कि गन कैसे इस्तेमाल की जाती है। पीपी चेयरमैन ने कहा कि दुनिया में अब वजीर आजम इमरान खान की पहचान सेलेक्टेड की हो चुकी है। इमदादी सामान में अद्वियात, मौसम सरमा के बिस्तर और खाने की अशिया शामिल हैं। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर काम किया है। पाकिस्तान ने आफात के दौरान बैन अल-अक़वामी बरदारी के शाना बशाना काम किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
حکومت پاکستان نے یوکرین کے لوگوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد بھیج دی۔ امدادی سامان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوکرائنی سفیر کے حوالے کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر کام کیا ہے۔ پاکستان نے آفات کے دوران بین الاقوامی برادری کے شانہ بشانہ کام کیا۔ واضح رہے کہ ایک جانب عالمی برادری روس پر پابندیاں عائد کر رہی ہے تو دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک یوکرین کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $350 ملین فوجی امداد کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے محکمہ خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ یوکرین کو امریکی اسٹاک سے $350 ملین مالیت کے اضافی ہتھیار فراہم کیے جائیں، کیونکہ یوکرین روسی حملے کو پسپا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق نیا اعلان۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر 30 ارب کا بوجھ برداشت کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھ کر 30 ارب کا بوجھ برداشت کرے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت 149.86 روپے برقرار رہے گی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 144.15 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 125.56 روپے، لائٹ ڈیزل کی قیمت 118.31 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ قیمتوں کا اطلاق 16 مارچ سے 31 مارچ تک کے لیے ہوگا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔ خان ٹیک ٹی وی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایمن منظور، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ اپنے ہاتھ میں رائے میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں۔ فاروق صدیقی، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ احتشام رانا، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ وزیر اعظم مخلف کیا گیا، لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد۔ صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ امجد بلوچ، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ کوکب فاروقی، ٹیک ٹی وی پاکستان۔